नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं इंगले मानसिक आरोग्य केंद्र जो वाशिम महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम शराब क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, और बिंज ड्रिंकिंग और हाई रिस्क ड्रिंक और लो रिस्क ड्रिंक क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इथिल अल्कोहल या इथेनॉल, ये कॉमन फॉर्म है शराब का। इथिल अल्कोहल का पीने के लिए उपयोग किया जाता है। शराब को जो विशिष्ट स्वाद और गंध या महक होता है वो उसके बनाने की प्रक्रिया पर निर्भर रहता है। शराब अलग अलग पदार्थों के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार की शराब होती है, जिसमें किसी में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। अभी हम देखते हैं अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। पिए हुए शराब में से 10% अल्कोहल पेट में एब्जॉर्ब होता है और बची हुई अल्कोहल की मात्रा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। अगर शराब खाली पेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है और पिक ब्लड कॉन्सेंट्रेशन शराब का कम समय में होता है, यानी शराब का नशा जल्दी चढ़ता है। और अगर शराब खाना खाते समय या खाना खाने के बाद लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है और अल्कोहल का ब्लड पिक कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए समय लगता है, यानी शराब का नशा धीरे धीरे चढ़ता है। अभी हम देखते हैं अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। 90% एब्जॉर्ब अल्कोहल का हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है और जो बची हुई 10% अल्कोहल की मात्रा है वो हमारे किडनी में से अनचेंज्ड यानी जैसी है उसी फॉर्म में एक्सक्रेट होती है, यानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल आती है। अभी हम बिंज ड्रिंकिंग क्या है ये जानेंगे। उससे पहले वन ड्रिंक यानी कितना अल्कोहल ये देखते हैं। वन ड्रिंक ऑफ अल्कोहल यानी 30 मिली विस्की या फिर कोई भी हार्ड ड्रिंक जिसमें शराब का प्रमाण ज़्यादा होता है और जिसमें शराब का प्रमाण कम होता है, उदाहरण के तौर पर वाइन, तो उसका 150 ml यानी एक ड्रिंक होता है। यानी वन ड्रिंक ऑफ अल्कोहल यानी 30 मिली विस्की या फिर 150 ml वाइन। अगर कोई 2 घंटे के अंदर 5 ड्रिंक लेता है या 5 ड्रिंक से ऊपर ड्रिंक लेते हैं तो हम उसे बिंज ड्रिंकिंग यानी हीवी ड्रिंकिंग बोलेंगे। ये क्राइटेरिया पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए अगर 2 घंटे के अंदर 4 ड्रिंक या उससे ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं तो हम उसे बिंज ड्रिंकिंग या हीवी ड्रिंकिंग बोलेंगे। अभी हम हाई रिस्क ड्रिंक और लो रिस्क ड्रिंक क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। अगर कोई पुरुष 1 हफ्ते में 14 से ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं तो हम उसे हाई रिस्क ड्रिंक बोलेंगे और अगर हफ्ते में 14 से कम ड्रिंक लेते हैं तो हम उसे लो रिस्क ड्रिंक बोलेंगे। और अगर कोई महिला 1 हफ्ते में 7 ड्रिंक से ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं तो हम उसे हाई रिस्क ड्रिंक बोलेंगे और अगर 1 हफ्ते में 7 ड्रिंक से कम ड्रिंक लेते हैं तो हम उसे लो रिस्क ड्रिंक बोलेंगे। और एक क्राइटेरिया है हाई रिस्क और लो रिस्क ड्रिंक के लिए जो बिंज ड्रिंकिंग के हिसाब से है। अगर कोई 1 महीने में 5 बिंज ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक लेते हैं तो वो हाई रिस्क ड्रिंक में जाते हैं और अगर कोई 1 महीने में 5 बिंज ड्रिंक के नीचे ड्रिंक लेते हैं तो वो लो रिस्क ड्रिंक में जाएंगे। बिंज ड्रिंकिंग या हेवी ड्रिंकिंग से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है, जिसके लिए हमें नज़दीकी चिकित्सक या मनोचिकित्सक की सहायता लेनी ज़रूरी है। हमें उम्मीद है इस वीडियो द्वारा आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियों के लिए मनशांति विथ डॉक्टर इंगले इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।